सुस्वागतम खुशामदीद वेलकम टू सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर. मैं हूं अनु कपूर और आप सब महानुभावों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं. इस शो में बहुत आभारी हूं कि आपने इतना प्रेम दिया इस कार्यक्रम को. बड़ा कमाल का रिस्पांस है इस प्रोग्राम के सुनने वालों का. दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ ये प्रोग्राम एक बार फिर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ. मैं आपका मित्र अनु कपूर. कल खास दिन है इस वजह से, ये खास दिन किसी एक मशहूर मारूफ अदाकारा के लिए, हीरोइन के लिए, एक्ट्रेस के लिए बहुत खास दिन है. हम उस एक्ट्रेस का बर्थडे, जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे. मेरा जर्फ देखकर तुम जरा बिजलियां गिराना, मुझे ताब हो जहां तक वहीं तक नकाब उठाना. मेरी जुस्तजू की राहें अभी तय नहीं हुई हैं, अभी दर्द बढ़ रहा है, मेरे सामने न आना. ये अदाएं बहकी बहकी, ये निगाहें सायराना, कि जहां भी तुमने चाहा वहीं रुक गया जमाना. मेरा जर्फ देखकर तुम जरा बिजलियां गिराना. सुश्री सायरा बानो. 23 अगस्त 1944 की पैदाइश है सायरा जी की. और हमारी खुशकिस्मती है सायरा जी फोन पर हमारे साथ होंगी. तमाम जितने भी सुनने वाले हैं और स्टूडियो में बैठे हुए हमारे जितने दर्शक हैं, उन सब के लिए ये बेहतरीन नायाब तोहफा है सुहाना सफर विद अनु कपूर का, कि खुद सायरा जी हमसे गुफ्तगू करेंगी. हेलो सायरा जी, आदाब. अनु बोल रहा हूँ. सायरा जी, आज 92.7 बिग एफएम पर एक प्रोग्राम में करता हूँ सुहाना सफर विद अनु कपूर. कल 23 अगस्त को आपका बर्थडे है और हम सब स्टूडियो में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब आपका बर्थडे स्पेशल मनाने के लिए यहाँ पे मुंतजर हैं. सो लेट्स सिंग अ हैप्पी बर्थडे टू सायरा जी. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सायरा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट ऑफ यू, आपने याद किया, बहुत खुशी की बात है. आई एम हैप्पी. सायरा जी, ये जानना चाहता हूँ मैं कि इंटरनेट पर कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आप पैदा कहाँ हुई थी. मसूरी में आपकी पैदाइश. मसूरी में पैदाइश. जी, जी, आप बोलिए. मालदा वहाँ गई थी व्हेन शी वाज एक्सपेक्टिंग मी एंड व्हेन इट वाज अबाउट यू नो हर टाइम टू डिलीवर मी. तो वेल बिफोर दैट, उससे पहले वो वहाँ चली गई थी एंड वहाँ आई वाज बोर्न. मसूरी में 23 अगस्त 1944 के घर पे ही पैदा हुई वहाँ मसूरी में. वाह वाह माशाल्लाह. 23 अगस्त में. जी. तो वालदा तो खुद बहुत बड़ी हीरोइन थी, तो बचपन से ही उस वजह से फिल्म की तरफ इंक्लिनेशन हुआ. कि मुझे तो बचपन से ऑफकोर्स इश्तियाक था कि आई शुड बी अ हीरोइन. वालदा का ग्लैमर था मेरे आंखों के सामने, उनको देखा हुआ परी चेहरा नसीम बानो. जी. आपने उनकी फिल्म जो है पुकार देखी होगी. बिल्कुल. उनको बहुत ही कम मौका मिला काम करने का, क्योंकि बहुत ही जल्द उन्होंने शादी कर ली थी और हम बच्चे पैदा हो गए. और वालिद जो हमारे थे वो चाहते नहीं थे कि आपा जी मैं कहती हूँ मेरी वालदा. जी, मुझे मालूम है जी. कि वो फिल्म में कंटिन्यू करें. तो नसीम बानो का जो एक थंडरिंग करियर माशाल्लाह से और जो बेमिसाल हुस्न उनका, इट हैड टू बी जस्ट केप्ट एट होम यू सी. एंड उनको इजाजत ही नहीं मिलती थी काम करने की बाहर. सो दैट्स हाउ बहुत ही कम फिल्म्स में उन्होंने काम किया. सायरा जी के परिवार की वो कौन सी हस्ती थी जिनकी जुगलबंदी होती थी संगीत सम्राट उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ? आप खुद जानिए और सुनिए सायरा जी की जुबानी. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर. तो ख्वातीनो हजरात, मेहरबान कदरदान, हम बातचीत जारी करेंगे सायरा जी के साथ. जी सायरा जी, बहुत छोटी सी क्लोज नेट फैमिली मेरी. जी. मेरे वालदा, मेरे भाई साहब सुल्तान भाई. जी. और मैं और मेरी अम्मा जी, माई ग्रैंड मदर शमशाद बेगम साहिबा. जी, जी. ये वो शमशाद बेगम नहीं है जो प्लेबैक सिंगर. जी है. जी, मैं समझ गया जी. हाँ जी, ये शमशाद बेगम है अब्दुल वहीद खान
who was married to the Nawab of Hasanpur, and she herself was a one of the greatest exponents of classical song. Ji. और माशाल्लाह उनकी टक्कर होती थी बड़े गुलाम अली खान साहब से. तो यू कैन इमेजिन जी 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 कि किस कैलिबर की सिंगिंग मेरी अम्मा जी. लोग कहते थे कि अम्मा जी की आवाज जब सुनते थे तो सारंगी पे उन्होंने सीखा था. उनके जो उस्ताद थे हुसैन बख्श साहब जी, तो आपको पता है जो सारंगी पे सीखता है गाना तो वो तो माशाल्लाह अल्लाह का नूर हो जाता है उनकी आवाज में. जी, सारंगी इतनी मीठी आवाज. तो कहते हैं अम्मा जी की आवाज सुन के यूं लगता था कि जब वो रियाज करती थी कि अल्लाह का नूर उतर आया जमीन पे. माशाल्लाह. तो आई एम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ म्यूजिकल यू नो फैमिली क्लासिकल जो है. जी सायरा जी, हमने पढ़ा है और इंटरनेट पे ये इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है और इतना हमें मालूम है कि आप और भाईजान स्टडी करने के लिए लंदन चले गए थे. वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से वालदैन ने आपको स्टडी के लिए लंदन भेज दिया? उस जमाने में समझा जाता था कि फिल्मी करियर जो है वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है. जी. तो वालदा चाहती थी कि सुल्तान और मैं जो है इस माहौल से जरा जितनी दूर हो एंड वी शुड हैव एन एकेडमिक काइंड ऑफ लाइफ. सुल्तान भाईजान बड़े भाई थे, छोटे भाई हैं? सुल्तान भाई हैं तो बड़े, लेकिन हैं वो मेरे बेटे. अच्छा. आप ये हिसाब लगाइए. जी जी जी. ये क्या रेशियो, ये क्या इक्वेशन हुआ. मैं आई ट्रीट हिम लाइक माय सन. जी. बट ही एंड आई आर वेरी वेरी क्लोज बीइंग द ओनली टू चिल्ड्रन. जी. तो अल्लाह का बहुत एहसान है मेरे पे कि आई एम यू नो बॉर्न इन अ फैमिली सराउंडेड बाय सच ग्रेट आर्टिस्ट्स. एक्सीलेंट ग्रैंड मदर, एक्सीलेंट. तो माई मदर परी चेहरा, नसीम बानो एंड माई ब्रदर. तो इस तरह से हम लंदन चले गए अपनी स्कूलिंग के लिए. आगे हम जानेंगे सायरा जी का प्रोफेशनल करियर कहां से शुरू हुआ. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर. बातचीत का, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं सायरा जी के साथ. हम सब जानते हैं कि सायरा जी की पहली फिल्म थी एज ए हीरोइन, एज ए स्टार, जिस फिल्म से वो सुपरस्टार बन गई वो फिल्म थी जंगली. इनके हीरो थे शम्मी कपूर. सायरा जी, तो ये शम्मी जी के साथ, जो शम्मी जी के साथ हल्का सा नाइत्तेफाकी हुई थी, ये सही बात है कि उन्होंने आपको कहा? सच बोलिएगा. सही, बिल्कुल सही बात है. ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है, ये बात बहुत आम हो चुकी है. सायरा जी, जंगली के दौरान शम्मी जी कुछ खफा हो गए थे आपसे, आप कुछ परफॉर्म ठीक से नहीं कर पा रही थी, तो डायरेक्टर साहब भी थोड़े से डिप्रेशन में आ गए थे और शम्मी जी ने पता नहीं किस मूड में थे आपको कहा कि ये नहीं आता है तो क्यों करने चली आती हो. यू सी द थिंग इज यू हैव टू रियलाइज के लंदन में आई वेंट टू प्राइवेट स्कूल यू नो गर्ल्स का, एंड सुल्तान एंड आई वी वर ब्रॉट अप, हालांकि लंदन था माहौल लेकिन वेरी प्रोटेक्टेड ब्रिंगिंग अप यू नो. बिल्कुल यूं लगता था कि जैसे आपा जी और अम्मा जी की नजर के अंदर के स्कूल से हमें लाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है. वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग यू नो. वी वर बोथ सपोज टू बी लंदन रिटर्न यू नो द टैग लंदन रिटर्न. तो मेरे ख्याल से लोग के एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही होते थे उस जमाने में, और हम दोनों की आदत यू थी इतने सिंपल के हमसे कोई बात करता था तो वी वर टॉट टू यू नो अनु जी, जी, जी. वी वर टॉट के आंखें मिला के बात नहीं करते, हमारी नजर नीचे रहती थी, हम उस जमाने के हैं. अखलाक जो होता था वो कुछ और होता था. जी. तो यहाँ जब मैं आई हूँ, मेरे स्कूल की छुट्टियों में यहाँ आई मैं, तो आप वालदा के साथ वहाँ महबूब स्टूडियोज में बहुत दोस्ताना था विद मिसेज महबूब अख्तर आंटी. जी जी. एंड विद महबूब अंकल. जी. तो वहाँ की आपको पता है उस जमाने की लैविश पार्टीज होती थी, तो उसमें हम सिंपल जैसे बच्चे हम साथ में जाते थे. अब आई हैड कम इनटू माय टीन्स एट दैट टाइम. जी. दिस वुड हैव बीन 1961. जी. तो वहां लोगों ने मुझे देखा. अब खुदा बेहतर जाने वो क्या बात थी, नसीम बानो की बेटी. और उस जमाने में ऐसा था कि एक आध दो लड़की कोई आती थी यू नो न्यू कमर. जी. जैसे हमारे से पहले साधना जी आ गई, हमारे से पहले
आशा जी आ गई, यू नो, वैजंती माला, वो तो बहुत पहले, बहुत सीनियर। मीना जी तो बहुत सीनियर होंगी ना, मधुबाला मीना जी बहुत सीनियर है ना हमारे से, वो तो एनी वे लोगों ने मुझे देखा एंड अल्लाह का शुक्र है कि वो अंदर की जो मेरी उमंग थी वो यूं हुआ कि अल्लाह के फजल से कुछ लोगों की लाइन लग गई, यू नो, कि प्रोड्यूसर्स की कि प्लीज हम चाहते हैं अगर आप की बेटी का जरा भी इंक्लिनेशन है तो वी वुड लाइक के शी शुड वर्क विद अस, जिसमें थे रामानंद सागर, वासन साहब, कमाल अमरोही साहब एंड ऑफ कोर्स महबूब खान साहब। अब मुखर्जी अंकल जो है, एस मुखर्जी साहब, वो एक फिल्म बना रहे थे कॉल्ड हम हिंदुस्तानी जी, एंड उनको एक दूसरे रोल के लिए दो पेयर्स थे, एक सुनील दत्त का पेयर था और एक था जॉय मुखर्जी के साथ दूसरा पेयर। तो सुनील दत्त के साथ जो रोल था दैट वाज ऑफ द एल्डर गर्ल ऑफ एंड द अदर वन वाज ऑपोजिट जॉय, तो आई ऑलमोस्ट डिड दैट रोल जॉय के ऑपोजिट, यू नो, बट थैंक गॉड कि सुबोध मुखर्जी अंकल ने कहा कि जंगली बना रहे हैं एंड ही नीडेड अ हीरोइन फॉर दैट। तो वो कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ हम हिंदुस्तानी जी, मेरा डेब्यू हुआ इन जंगली, थैंक गॉड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज सच अ बिग हिट, देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट, यू नो अनु जी। जी जी, एक और फिल्म, बहुत कमाल की फिल्म आपने की है, पड़ोसन। पड़ोसन के बारे में अगर कुछ एलाबोरेट कर पाए हैं, उसके सेट पर, डायरेक्टर के बारे में, वो सेट का क्या माहौल था प्लीज। और पड़ोसन के सेट पे वो जब जब मैं जाती थी तो आप यकीन मानिए कि रिहर्सल होती थी और ये जितने कमेडियंस थे इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट जी, ए टू जेड, बड़े से छोटा बड़े, बड़ा रोल महमूद साहब का और किशोर कुमार साहब का, और छोटे रोल जो है केशव मुखर्जी, आप देख लीजिए अपने मुकरी अंकल, मुकरी साहब छोटे से, मुकरी अंकल एक एक मैं कहती हूँ बेमिसाल, क्या यू नो जी, बेमिसाल। और यूं होता था अनु जी कि जैसे कि रिहर्सल की है, हंस हंस के मेरी बुरी हालत, यानी कि आप यकीन मानिए कि मेरा सांस अटक जाता था, एंड यू नो लाइट ऑफ, और कहा जाता था मैडम इज लाफिंग। उसके बाद व्हेन आई वुड सॉर्ट ऑफ कम टू माय सेंसेस विद द लाफ्टर एंड कंट्रोल इट, उसके बाद शॉट होता था, इट वाज अ पिकनिक आई टेल यू। सायरा जी ने बहुत सारी फिल्में रिफ्यूज की, या हालात कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से सायरा जी कुछ फिल्में नहीं कर पाई, लेकिन एक मास्टरपीस क्लासिक फिल्म ना कर पाने का अफसोस नहीं है सायरा जी को, बल्कि खुशी है। क्यों, क्या कारण है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, जानेंगे अभी थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, पावर्ड बाय जी क्लासिक, वो जमाना करे दीवाना। सायरा जी, आपने हम हिंदुस्तानी में ऐसा है कि सेकंड लीड करने से इनकार किया, ऐसी बात थी कि नहीं करना? ऐसा इट वाज नेवर अनु जी प्रेजेंटेड टू मी एज अ सेकंड लीड, ओके ओके, इट वाज प्रेजेंटेड यू नो एज एन इक्वल रोल इस तरह से, जी जी जी, लेकिन इट इज वन ऑफ द फिल्म्स व्हिच आई डिड नॉट डू अमंगस्ट, बहुत सारी फिल्म्स हैं जो मैंने नहीं की, जिसमें से एक है आपको, आई मीन यू विल बी शॉक्ड कि आई वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर गाइड, गाइड के लिए जैसे। वाव, वाव। और ज्वेल थीफ में भी पहली चॉइस आप थी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि इतने पीछे पड़े थे गोल्डी और देव साहब फॉर ज्वेल थीफ आल्सो, लेकिन आई टोल्ड देम कि ये रोल जो है, ये रोल मुझे बहुत ही छोटा सा लग रहा है, बिकॉज आई हैड स्टार्टेड डूइंग अदर फिल्म्स एट दैट टाइम, यू नो, ये तो बहुत बाद की बात है ज्वेल थीफ। तो गोल्डी वॉज काइंड इनफ टू री राइट द स्क्रिप्ट फॉर मी अनु जी, And then luck, as luck would have it, मेरी dates की वजह से and everything, I could not even do Jewel Thief. जी जी. और guide मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उसी वक्त जो है महबूब अंकल was casting me in हब्बा खातून. जी जी जी. एक film कश्मीरी थी, कश्मीरी जो हब्बा खातून. कश्मीरी poetess हब्बा खातून. जी जी जी. जी. मेरा क्या attraction था अनु जी कि जहाँ जहाँ मैं सुनती थी कि दिलीप साहब कास्ट होने वाले हैं, जैसे कि महबूब साहब के साथ, he was to do हब्बा खातून, I immediately let go guide. गाइड के जो देवानंद साहब के जो
कोऑर्डिनेशन में थे टेड डेनियलिस्ट की. आई रिमेम्बर ही केम टू आवर फ्लैट एट नेपेंसी रोड वेयर माय मदर वाज लिविंग एंड ही नरेटेड द होल सब्जेक्ट टू अस एंड वांटेड मी कि आई शुड डू इट. पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अनु जी, मैं कहती हूँ कि शुक्र है मैंने नहीं किया क्योंकि आई वॉज टू यंग फॉर दैट रोल. अब जो मैं देखती हूँ गाइड जी, तो मुझे यू आई मीन एब्सोल्युटली ऑनेस्टली स्पीकिंग एहसास होता है कि मैं कभी वो रोल ठीक से निभा ही नहीं सकती थी जो जो किया है. नहीं, आपने ये बजा फरमाया कि उसमें जो रोजी का रोल है वो एक मच्योर्ड औरत है और गाइड जिस साहब की फिल्म है, आप तो बहुत ही यंग होंगी. बहुत ही यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड. आप कह रही हैं खुद को इनएक्सपीरियंस्ड, जिसने सायरा जी के दिल पे दस्तक दी और जिसके सपने सजाए सायरा जी ने, उन्होंने दिखाए कि देखो चंद बाल सफेद हो गए हैं. जानेंगे सायरा जी से ही. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर. आप सब लोगों को एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि हम सायरा जी का बर्थडे मना रहे हैं. 23 अगस्त जन्मदिन है उनका और सायरा जी से बात का सिलसिला जारी करेंगे और बात तो अब सायरा जी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी और जुड़ के चली जाएगी यूसुफ साहब के ऊपर. जब मेरा और उनका लियाज़ों हुआ है जी, तो आई मीन द होल इंडस्ट्री एंड द होल ऑफ द लॉट ऑफ पीपल वर अगॉग के ये कैसे हुआ है. जी जी. क्यों? क्योंकि हम दोनों ने तो कभी काम किया नहीं था जी साथ में, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती थी कि आई हैड अ लाइफ टाइम क्रश ऑन हिम सिंस आई वाज 12 इयर्स ओल्ड. अच्छा, हमारी फैमिली जो है इंटरेक्ट करती थी ऑल अलोंग जी. अब ये दूसरी बात रही कि दिलीप साहब ने मुझे समझ लिया कि ये एक बच्ची है जो इस फैमिली की है, बन रही है, यू नो शी ग्रोइंग अप, शी इज अ किड. तो जब बात आई दिल दिया दर्द लिया कास्ट करने के लिए, फॉर इंस्टेंस आई वाज वेरी न्यू विद जंगली जी, आई वाज वेरी न्यू एंड कारदार अंकल एंड महबूब अंकल की पार्टी में आई रिमेम्बर देयर वाज दिस सुआव सोफिस्टिकेटेड दिलीप कुमार टाई एंड सूट, यू नो जी, एंड हैविंग खाना खा रहे हैं अपनी प्लेट में जी, और मुखर्जी अंकल बैठे हुए, मिसेज महबूब बैठी, मिसेज कारदार बैठी जी, और ये बात चल रही है कि मुखर्जी अंकल कह रहे हैं कि यू नो यूसुफ, ये छोटी सी लड़की जो है शी इज क्रेजी अबाउट वर्किंग विद यू. तो अब ये खाना खा रहे हैं जी, ये खाना खा रहे हैं एंड ही गिव्स मी अ लुक एंड ही सेज हैव यू सीन दिस, सिर झुका के जी, और वो बाल उन्होंने अपने उल्टे हाथ से ऐसे टच लिए, ऐसे ही रैन हिज हैंड थ्रू हिज हेयर जी, तो शो मी के देखा है ये बालों में कितना ग्रे है, तुमने देखा है छोटी सी बच्ची जो हो. अच्छा, उन्होंने आपको ये बताया? ऑफ कोर्स, तो सुनिए तो. व्हाट अ ग्रेस. तो मैंने क्या कहा, मैंने पता क्या कहा इन माय इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश दैट आई स्पोक, ही सेज हैव यू सीन दिस, so I said yes, I see that and I think it looks very distinguished. Wow, you know my word. wow. I still remember every word that he's ever spoken to me, Anuj. ये 1960 में वो जो गंगा जमुना के प्रीमियर पे आप तैयार होके गई थी, ये सही किस्सा है? क्योंकि सायरा जी, मैं इसलिए कुरेद के पूछ रहा हूँ कि इंटरनेट के ऊपर तो पूरी किताब जो है ना आप मुझसे बुलवा रहे हैं ना? मैं आपको बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, आप मेरी किताब पढ़ेंगे नहीं, यकीन मानिएगा. मैं कॉल लेता हूँ कि मैं ही नहीं, सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग पढ़ेंगे आपकी किताब पढ़ेंगे. लेकिन उस किताब के शाया होने से पहले, मार्केट में आने से पहले, मेरे जितने भी दर्शक हैं उनको, श्रोता हैं, उनको बताना चाहता हूं कि इंटरनेट के ऊपर जो बातें हैं आपसे सही कौन बता सकता है. तो वो गंगा जमुना पे आप सज के जो गई थी और सारे लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, सारे लोगों के नज़र में आप ही थी और साहब आए भी नहीं, वो सही बात है? नहीं, ये गंगा जमुना की बात नहीं है, ये है मुगले आजम की बात. मुगले आजम की बात. मैं लौटी थी स्कूल से जी, तो वो दौर था जब मैं आई अपनी छुट्टियों के लिए और ये इनविटेशन नेचुरली आया प्रीमियर के लिए. आप कहाँ थे अनुजी अंदर थे?
यू वुड बीन स्मॉल. मैं 4 साल का था. 4 साल का. 4 साल का. हाँ, तो उस वक्त है द ग्रैंड इनविटेशन ऑफ के आसिफ साहब जी. और प्रिंट जो है आपको मालूम हुआ होगा बाद में कि हाथी पे आने वाला था प्रिंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जी जी जी, ये सब बातें. लेकिन कौन, हु बॉदर्स अबाउट द हाथी एंड हु बॉदर्स अबाउट द प्रिंट. जी, आई वाज ओनली बॉदर्ड कि दिलीप साहब आ रहे प्रीमियर पे, उनका प्रीमियर है. अब आपसे मैंने बताया कि 12 बरस की उम्र से दीवानावार चाहत थी मेरे दिमाग और दिल में. जी, आई एम सॉरी, मैं बहुत ही फ्रेंकली बात कर रही हूँ, टू मच. नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही. देखिए, आप लोगों के हम लोग जिस ब्रीड के हैं वहां से गलत बात निकलेगी नहीं. आप प्लीज प्लीज, इट्स एन ऑनर फॉर अस. नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ. फिर मैं, अनु जी, मैंने 6 दिन लगाए हैं तैयारी में. मेरी वाल साड़ी पहनने आती नहीं थी मुझे. जी हाँ जी. आई वाज अ स्लिप, पतली दुबली लड़की कैसी होती है, टीन्स की लड़की, वेरी वेरी स्लिम. तो आपा जी की, वालदा की सबसे भारी साड़ी मैंने निकाली. जी. सबसे ऊंची हाई हील मैंने निकाली. एंड जनाब, जो मेरे बालों के, आई हैड वेरी लॉन्ग हेयर डाउन टू माय नीज. जी. घुटने तक मेरे बाल. तो बालों को धोना मेरा, फिर नेल पॉलिश का लगाना. जी. और धूप में खड़े होके वो बालों को सुखाना के बस यूसुफ साहब जैसे प्रीमियर पे आएंगे वो तो मुझे देख के बेहोश हो जाएंगे. यू नो, जी. और वो जब मैं पहुंची हूँ वहाँ आपा जी के साथ, तो यूसुफ साहब तो थे ही नहीं. एंड क्या मैंने फिल्म देखी है अनु जी, क्या मैंने ना कुछ एक शॉर्ट फ्रेम एब्जॉर्ब किया होगा उस जमाने में, ना कुछ देखा होगा. आपा जी को कहने लगी चलो चलो मुझे घर जाना है. यू नो, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड. क्यों आए नहीं प्रीमियर पे? एट दैट टाइम यू रिमेम्बर कि आसिफ साहब हैड अगेंस्ट द विशेस ऑफ यूसुफ साहब, उनकी बहन जो है अख्तर, वो उनका कुछ वहाँ, शी हैज रन अवे एंड मैरिड हिम, यू सी. या तो इस वजह से साहब के बीच में और के आसिफ साहब के बीच में ना इत्तेफाकी रही. जी जी जी, वजह से मुझे थोड़ी पता था कुछ भी एट दैट टाइम एंड आई वाज जस्ट अ किड. तो एनीवे, बिकॉज ऑफ दैट फियास्को, ऑब्वियसली, सो ही डिड नॉट कम फॉर द प्रीमियर. जी. एंड क्या मैंने फिल्म देखी है अनु जी, क्या मैंने ना कुछ एक शॉर्ट फ्रेम एब्जॉर्ब किया होगा उस जमाने में, ना कुछ देखा होगा. आपा जी को कहने लगी चलो चलो मुझे घर जाना है. यू नो, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड. सायरा जी, लेकिन फाइनली कैसे मनाया और कैसे झुकाया जरा बताइए आप प्लीज. जंगली के बाद जो है जी, हर प्रोड्यूसर जो होता था उसके लिए ये एक शोशा था मेरा कि प्लीज आप दिलीप साहब को साइन कीजिए. एंड यू नो, आई जस्ट डू द फिल्म फ्री. I don't want anything for it. Just get Dilip sir. So, uski, you know, in that kind of a thing, मैंने पालकी साइन की थी. पालकी. जी. फिर I was supposed to do हब्बा खातून. वहाँ भी यूसुफ साहब जो हैं, वो उन्होंने क्लैप दिया हब्बा खातून का. फिर एक फिल्म थी साजा रहवाज, तो दिलीप साहब ने वहाँ भी क्लैप दिया. फिर कोई और मेरी महूरत थी तो वहाँ क्लैप दिया. तो मैंने कहा देखिए, एक क्लैप जब देने जा रहे थे, कैमरा रोल होने वाला था. I went on my toes, you see, and I told him, देखिए, मैं अब tall भी हो गई हूँ, and just see, I've grown up. जी. आप सिर्फ क्लैप ही देते रहेंगे जिंदगी भर या मेरे साथ काम भी करेंगे? दिलीप साहब को अपनी बेगम सायरा बानो का कौन सा गाना पसंद है? उन पर कौन सा पिक्चराइज गाना है जिसको वो बहुत एडमायर करते हैं? जानेंगे हम थोड़ी देर में. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर. एक फिल्म याद आ रही है आपकी, आओ प्यार करें, 1964 की फिल्म है और उषा जी का म्यूजिक. आपको नहीं लगता कि ये पहली इब्तदाई फिल्म थी जो वेनिस में शूट हुई है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में? यस, एंड एक्चुअली आई वांट यू टू हाईलाइट दिस कि साइमल्टेनियसली हम दो फिल्म वहाँ शूट कर रहे थे, वेनिस में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, ऑल ऑफ यूरोप में. एक तो आओ प्यार करें और दूसरी कौन सी थी? ये जिंदगी कितनी हसीन है. जी जी. बोथ वर बीइंग डायरेक्टेड साइमल्टेनियसली बाय आर के नय्यर. जी.
आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा आपको कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं, सुनने वालों को बताएं कि दिलीप साहब को आप पर पिक्चराइज्ड कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? पड़ोसन का एक गाना जो साहब बहुत गाते हुए, अनु जी माशाल्लाह, वाह वाह वाह। और ये यूट्यूब में आप बहुत अच्छा गाते हैं, ये कहना चाह रही हूँ। आई एम मैरिड अनु जी, यू मस्ट टेल द होल वर्ल्ड टू द मोस्ट वंडरफुल मैन इन द वर्ल्ड एंड आई एम सो हैप्पी। सायरा जी, आप लोग उस सिलसिले के, आप हीरोइन नहीं है, आप हमारी विरासत है, आप हमारे इस देश की धरोहर हैं, आप हमारी विरासत हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर हाँ, क्योंकि आपसे ही तो हम आपका दामन पकड़ के तो सुनहरे दौर तक जाएंगे हम। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए, बीइंग मच यंगर देन मी, लेकिन जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन करते हैं शो का, आप जैसे रिसर्च करते हैं, जिस तरह से आप बयान करते हैं, नाउ यू कंपेयर योरसेल्फ टू अदर एंकर्स। I mean, here it is that I watch Annu Kapoor, you see. बस दुआओं में याद रखिएगा, आप हमारी बड़ी बहन है, बस आपकी अगर दुआएं हमारे सर पे रहें तो हम शायद जिंदगी में और आगे बढ़ेंगे और बेहतर तरीके से अपने अपने लोगों का बेहतर तरीके से दिल बहला सकेंगे। अब वक्त है आज के कॉन्टेस्ट का। सवाल ये है कि सायरा बानो बचपन में अपने भाईजान के साथ कौन से शहर में पढ़ने गई थी? ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी लंदन, सी अमेरिका। एसएमएस कीजिए बिग स्पेस अपना जवाब और भेज दीजिए 55454 पर। लकी विनर का नाम अनाउंस होगा जी क्लासिक पर सोमवार रात 8 बजे धर्मेंद्र और माला सिन्हा की फिल्म आंखें के दौरान। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम।